फूड फटाफट बितमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चिली हनी पोटैटो, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी है और बच्चों को मोस्टली ये बहुत पसंद आती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आशा करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ मैंने चार आलू लिए हैं, तो आप बड़े साइज में मीडियम साइज में आलू ले लीजिए। तो चार आलू को मैंने यहाँ छील लिया है, अब मैं इसको कट करूँगी। तो आलू में जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं उसी तरीके से हमें आलू को कट करना है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे आलू कट करके आपको दिखाते हैं कि हमें इसे कितना पतला चाहिए। तो लीजिए आलू कट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें इतना आलू इस तरीके से कट करके रेडी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं आलू को बॉईल। तो यहाँ पे मैंने रखा है पानी एक कढ़ाई में, और उसमें मैंने डाल दिया है आधी चम्मच नमक, और अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को इसमें डालने से क्या होगा, इस आलू का जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो इसमें निकल जाएगा, तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। तो चलिए फटाफट से इसको एक बॉयल आने तक इसको उबाल लेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, हम आपको बताएंगे कि इसको हमें कितना बॉयल करना है। तो एक बॉयल आ गई है, अब हम इसको निकाल के अलग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आलू को एक मिनट ही बॉयल किया है, एक मिनट में ही हमारा पानी गर्म हो गया, इसमें बॉयल आ चुकी थी। तो आलू को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो आलू को निकालने के बाद हम आपको दिखा दें कि आलू हमें कितना बॉयल करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा आलू टूट के यहाँ पे आपको दिखा है, उसी तरीके से हमें आलू को बॉयल करना है। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर मैदा नहीं है आपके पास तो आप उसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो गीले आलू थे उसमें ही मैंने डाल दिया, तो ये अच्छे से चिपक गया है, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एक घोल। तो मैंने डाली है यहाँ दो चम्मच मैदा और दो चम्मच ही कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका घोल बनाएंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने एक बार बॉईल करने में नमक डाला है, और एक बार मैंने यहाँ पे घोल बनाने में नमक डाला है। तो चलिए हम इसका घोल बना के रेडी करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का हमें घोल रेडी करना है। तो हमें गाढ़ा गाढ़ा ही घोल करना है। तो देखिए आप किस तरीके से ये टूट टूट के गिर रहा है, एक धार में नहीं गिर रहा है, इसी तरीके का हमें घोल चाहिए था। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आलू मैंने मिक्स करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। तो सारे आलू हमें इसमें नहीं डालना है, एक एक दो दो आलू करके ही डालेंगे, और इसमें हम अच्छे से कोडिंग कर देंगे इस घोल के, फिर जाके हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम हाथों की हेल्प से कोडिंग कर देंगे ताकि ये टूटे ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कोडिंग कैसे होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आलू नहीं दिख रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से कोड हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें घोल बनाना है। तो मीडियम फ्लेम में हमने यहाँ पे आलूओं को एक एक करके डाल दिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो अब आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। तो लीजिए निकालने के बाद यहाँ पे हम आपको इसकी आवाज़ सुनवा देते हैं कि किस तरीके से ये एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो देखिए इसमें आवाज़ आ रही है ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो इसी तरीके से हमें मीडियम फ्लेम में आलू को डीप फ्राई करनी है। तो अब हमने यहाँ पे गैस पे एक पैन रखा है, उसमें मैंने दो चम्मच ऑयल डाली, और उसमें डाला एक चम्मच तिल, एक चम्मच महीन कटा हुआ अदरक लहसुन और एक चम्मच अदरक। तो इन तीनों चीज़ को अच्छे से चटकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, तो मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और इसमें डालेंगे हम प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ थोड़ी सी ही यूज़ की है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप इसमें प्याज मत ही यूज़ करें। तो चलिए हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसको भून लेते हैं, फिर इसमें हम डालेंगे हरी शिमला मिर्च और ग्रीन ऑनियन। तो दोनों चीज़ों को हम डालेंगे, इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हम इसको क्रंची ही रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च क्रंची हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देते हैं सॉस। तो यहाँ मैंने डाला है सोया सॉस, तो ये हार्ड सोया सॉस है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच यूज़ किया है। दो चम्मच यूज़ किया है मैंने टोमेटो केचप, और दो चम्मच मैंने यूज़ किया है चिली सॉस, रेड चिली सॉस। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तो इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो अब आ रही आती है इसमें रेड
मिर्च पाउडर का, तो अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप उसमें मिर्च डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक सलेरी। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें हमने इसको कर दिया है मिक्स, पानी डाल के अच्छा पतला घोल बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पैन का टेम्परेचर कम हो जाए, फिर हम इसमें सलेरी डालेंगे तो वो तुरंत ही गाढ़ी नहीं होगी या वो जमेगी नहीं, तो ठंडे में ही हम इसको डाल देंगे तो ये मिक्स हो जाएगी। अगर आप गर्म में डालेंगे तो ये गांठे पड़ जाएंगे इसमें, गोलियां टाइप की। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं हनी। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि चिली हनी पोटैटो है, तो इसमें हमने 2 चम्मच हनी डाल दी है, तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही ऑसम हो जाता है। तो चलिए ये हमारी गाढ़ी सी मिक्स बन के रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देते हैं आलू, और आलू को डालने के बाद हम करेंगे इसको मिक्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि चिली सॉस और सोया सॉस में पहले से ही नमक होता है, और हमने आलुओं में भी नमक डाल दिया था। तो इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद हो चुका है ये रेडी, और हम कर लेते हैं जल्दी से प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैंने चिली पटेटो का अच्छे से सर्व कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तिल डेकोरेट के लिए, और तिल डालने के बाद आप अपने मन चाहे तरीके से इसको और भी लुक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बकाया आपका ये बन के रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं ग्रीन ऑनियन, तो इसका देखने में और भी ज़्यादा कलर अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी है, और लाइक शेयर करना तो हमेशा की तरह मत ही भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक बाय, अलविदा और टाटा।